प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरा नाम सोनिया है, आइए इनसे मिलते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरा नाम आत्मन है। मम्मी, आज मुझे मेरे प्यारे सदगुरु श्री राजन स्वामी जी के जीवन के बारे में कुछ बताइए ना। हाँ जी, आइए बेटा, आज मैं आपको श्री राजन स्वामी जी के जीवन के विषय में बताती हूँ। श्री राजन स्वामी जी का जन्म सन 1966 में बलिया जिले के ग्राम सीसोटार में हुआ था। आपकी माता जी का स्वभाव अत्यंत स्नेहमयी व आध्यात्मिक है तथा आपके पिताजी ने सदा ही निर्धनों के अधिकारों की रक्षा व सामाजिक कल्याण के लिए उदारता पूर्वक अपनी संपत्ति व्यय की। श्री राजन स्वामी जी बाल्यकाल से ही परिश्रमी, अध्ययनशील, सौम्य, मृदुभाषी तथा तीक्ष्ण बुद्धि के धनी रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में आप सदा कक्षा में अव्वल रहते थे तथा समय बचाकर आप अगली कक्षा की पुस्तकें भी पढ़ लिया करते थे। संस्कृत भाषा में सदा से आपकी विशेष रुचि रही है। पूर्व संस्कारों, यदा कदा मिले सत्संग तथा आध्यात्मिक ग्रंथों से मिले दिशा निर्देशानुसार आपने पहले मंत्र जाप, तत्पश्चात ध्यान साधना प्रारंभ कर दी। 14 वर्ष की छोटी सी आयु में आप प्रतिदिन घर पर 4-5 घंटे की नियमित साधना करने लगे। कठोर साधनामयी दिनचर्या व सदा परमात्मा चिंतन में डूबे रहने के कारण आपका मन सांसारिक गतिविधियों से विरक्त रहने लगा। स्वामी जी ने 18 वर्ष की अल्पायु में गृह त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात आप कभी अपने घर वापस नहीं गए। साधन के रूप में धन, वस्त्र व भोजन सामग्री ना ले जाकर आप अपने साथ वेदों की प्रतिलिपि लेकर चले। हिमालय व उत्तर भारत के विभिन्न प्रांतों की यात्रा करते हुए आप एकांतवास में अपनी आत्म क्षुधा को तृप्त करने में लीन रहे। आपने योग की दीक्षा लेकर योगाभ्यास किया तथा वेद आदि आर्ष ग्रंथों का अध्ययन भी किया। साधना काल में आपने कभी भी लेट कर शयन नहीं किया, अपितु ध्यान में बैठे बैठे ही रात्रि बिताई। संयोगवश 20 वर्ष की आयु में आप श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी के महान धर्मोपदेशक धर्मवीर सरकार श्री जगदीश चंद्र जी के संपर्क में आए और श्री प्राणनाथ जी की अमृतमयी अखंड वाणी का ज्ञान पाकर आपको अत्यंत मानसिक शांति प्राप्त हुई। आप श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी में सरकार श्री के सानिध्य में रहकर ज्ञानार्जन करने लगे। आपने श्री प्राणनाथ जी की वाणी एवं बीतक साहिब के साथ साथ अन्य सभी धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन व मंथन किया। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी के जीवन का आप पर गहरा प्रभाव पड़ा। आपने आश्रम में प्रवास के दौरान 12 वर्षों तक सतत साहित्य की सेवा की और अनेक ग्रंथों की रचना व हिंदी अनुवाद करके अपने सद्गुरु के चरणों में प्रकाशन हेतु समर्पित कर दिया। आपका प्रथम ग्रंथ सत्यांजलि है, जो वेद शास्त्रों की साक्षियों से
श्री निजानंद संप्रदाय के सिद्धांतों की पुष्टि करता है। सरकार श्री के धाम गमन के पश्चात आपने श्री प्राणनाथ जी द्वारा स्थापित मुक्तिपीठ पन्ना मध्य प्रदेश की पुण्य स्थली चोपड़ा जी के मंदिर के निर्जन स्थान पर 5 वर्षों तक कठोर साधना की। तदपश्चात अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी व सद्गुरु महाराज की अंतः प्रेरणा से आपने 2005 में सरसावा में श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से आप समाज में ब्रह्म ज्ञान व शिक्षा का प्रचार करने में तल्लीन हैं और अपना शेष जीवन इसी महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया है। श्री राजन स्वामी जी के द्वारा श्री कुलजम स्वरूप साहिब व श्री बीतक साहिब का टीका भावार्थ सहित सरल शब्दों में अति सुंदर ढंग से किया गया है। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से 17 वर्षों में 100 से अधिक साहित्य का प्रकाशन हुआ है, जो हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती सहित 7 भाषाओं में है। श्री राजन स्वामी जी हर टीका से पहले लिखते हैं, धाम धनी श्री राज श्यामा जी एवं सतगुरु महाराज श्री राम रतन दास जी की मेहर की छांव तले मैंने ये कार्य प्रारंभ किया। सरकार श्री जगदीश चंद्र जी की प्रेरणा ने मुझे इस कार्य में दृढ़ता पूर्वक जुटे रहने के लिए प्रेरित किया। Thank you, Mummy. We are so lucky to have Swamiji as our Sadhguru. He is an inspiration to all of us.